शरीफ ने अपना काम यकीनन जिम्मेदारी से निभाया था, मगर इम्मू जब तक खुद माँ को ना ढूंढता इसकी कैसे तसल्ली हो सकती थी। करीबन एक माह बाद वो राजा के साथ बड़ी खामोशी से लाहौर पहुंचा और फिर अपने खालू नवाजिश अली से मुलाकात की। खालू नवाजिश अली इम्मू को देखकर दंग रह गया। वही इमरान, तू तो एकदम जवान हो गया है, इसके खालू ने लरजती आवाज में कहा। इम्मू और राजा दो दिन नवाजिश अली के घर में रहे। उन्होंने अपने पते ठिकाने के बारे में नवाजिश अली को कुछ न बताया, ताहम इससे सारे हालात पूछे। खासतौर से इम्मू ने अपनी वालिदा के हवाले से सब कुछ जानने की कोशिश की। इस सारी भागदौड़ में सिर्फ एक नई बात मालूम हो सकी, वो ये कि इम्मू की वालदा ने जमीन बेची नहीं थी, बल्कि इसे मजबूर कर दिया गया था कि वो कीमती जमीन औने पौने बेच दे और ये जमीन अपने एक मजारे के जरिए दरअसल चौधरी सजावल ने ही खरीदी थी। दौलत, ताकत और जबर की वही सदियों पुरानी कहानी, गुर्बत, कमजोरी और लाचारी की वही कदीम रुदाद। इम्मू शादपुरा वापिस आ गया, दिल में बेपना दर्द लिए वो दीवानों की तरह अपनी माँ की तलाश में घूमना चाहता था, लेकिन राजा ने इसे समझाया। अभी माझा की मौत वाला वाकया ताजा है, हम ज्यादा घूमे फिरेंगे तो हमारे लिए जरूर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी हमें 4-6 माह बिल्कुल चुप करके गुजारा करना पड़ेगा। इम्मू शादपुरा में यूं वापिस आया जैसे कोई अपना सब कुछ लुटाकर किसी वीराने में आ जाता है। किसी काम में इसका दिल नहीं लगता था, किसी करवट चैन नहीं था, भूख ना होने के बराबर रह गई। इसकी सोचे बस अपनी माँ के गिर्द ही घूमती थी, कहीं वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली तो नहीं गई। ये सवाल तीर की तरह से दिल में लगता और इसकी दुनिया अंधेरा हो जाती। इन जागुसल लम्हात में अगर इसे शब्दों की ढारस और बेपना मोहब्बत मुयसर ना होती तो शायद वो बिल्कुल टूट फूट जाता। वो इसकी उम्मीद बंधाती थी, इसके अंदर आस जगाती थी कि इसकी माँ जिंदा है और एक दिन जरूर इसके सीने से लगेगा। राजा और शबाना की कोशिश से धीरे धीरे इम्मू को कुछ करार आने लगा। वो मायूसी के अंधेरे में आस की रोशनी जलाकर धीरे धीरे कदम उठाने लगा। पारे जैसा खौफनाक कुत्ता अब इम्मू का बिल्कुल मती हो चुका था। वो इसके इशारों पर चलता। कबीर, अहमद, शरीफ और शब्बो वगैरह इम्मू के लिए इसकी अतातमंदी देखकर हैरान होते, और बात सिर्फ अकेले पारे की नहीं, दूसरे जानवर भी बहुत जल्द इससे मानूस हो जाते। राजा हाउंड नस्ल की जो नया पिल्ले अपने साथ लेकर आया था वो तेजी से बड़े हो रहे थे। राजा ने इन्हें शिकार के लिए सिधाने का काम इम्मू को सौंपा और वो ये काम बड़ी खुशसलूकी से अंजाम दे रहा था। जो लगता था इसे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, जानवर खुद ब खुद इसकी मर्जी और मंशा समझने लगता है। कुछ दिन बाद राजा कहीं से दो मुश्की घोड़े ले आया। ये भी माझा के हीरे की तरह अव्वल दर्जे के सरकश जानवर थे। दोनों भाई थे, इनके रंग ढंग बिल्कुल एक जैसे थे। अगर राजा इन्हें खुद सिधाने की कोशिश करता तो शायद इसके लिए महीनों दरकार होते, लेकिन इम्मू के साथ इसने 3-4 हफ्तों में घोड़ों को एकदम सवारी और शिकार के लिए ट्रेन कर दिया। राजा दोनों घोड़ों को अपने पाटेखा पर लाद कर ले गया और इस जिम्मेदार को दिया जिससे लेकर आया था। इसके बाद ये सिलसिला चल निकला, कभी एक, कभी दो घोड़े, कभी 2-4 कुत्ते वहां कबीर अहमद के बाग में पहुंचने लगे। राजा और इम्मू इन्हें मिलकर सिधाते, घोड़ों को दुल्की और सर पर चाल सिखाते, मालिक के इशारों को समझने की तरबियत देते, कुत्तों को पलटने और झपटने में ट्रेनिंग देते, शिकार को पकड़ने और भी मालिक तक लाने का तरीकाकार इन्हें समझाते। ये दिलचस्प लेकिन नहायत मुश्किल तक खतरनाक काम था। इम्मू की मौजूदगी ने इस काम को आसान कर दिया, बल्कि अब ज्यादातर जिम्मेदारी वो खुद उठाता रहता था। जानवरों की तरबियत मुकम्मल हो जाती तो राजा इसे मालिक के पास वापस ले जाता, या फिर मालिक खुद वहां आ जाता और एक 2 रोज वहीं बाग में रहकर अपने और अपने जानवरों के दरमियान हम आहंगी पैदा करता। काम का मुआवजा वगैरह राजा ही वसूल करता। वो अखराजात के लिए इम्मू को माकूल रकम दे देता था। वैसे भी वो हर तरह से इम्मू और शबाना का ख्याल रखता था। बहरहाल इसकी खामियां खराबियां भी इसके साथ मौजूद थी। वो गाहे बगाहे अपने दिल पिशोरी के लिए अपने पाटे खां समेत बाग से गायब हो जाता और अगले दिन या फिर एक दिन बाद वापिस आ जाता। जिंदगी एक हमवार रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। जून जुलाई के दिन थे, फल पककर तैयार हो चुका था। कबीर अहमद के लिए चलना फिरना अब मजीद दुश्वार हो गया था। वो टांग के साथ साथ अपने कूले को भी मफलूस महसूस कर रहा था और व्हील चेयर इस्तेमाल करने लगा। वो शरीफ, इसकी बीवी और 2 मुलाजिम लड़के सारा दिन बाग के कामों में मसरूफ रहते, अक्सर शबाना भी इनका हाथ बटाने लगी। राजा और इम्मू एक खुले अहाते में घोड़ों को दौड़ाते, इन पर सवारी करते, बांस से रस्सी के सिरे पर गोश्त के टुकड़े बांधकर शिकारी कुत्तों को पलटने झपटने की तरबियत देते। इम्मू शोला मिजाज जानवरों का सामना बिल्कुल बेखतर होकर करता और राजा हैरत से देखता रह जाता। तवील गर्म दोपहरों में जब हर तरफ सन्नाटा छा जाता, वो बाग की ठंडी छाव में चारपाइयां डाल लेते, पंपी के शफाफ पानी में नहाते, अपने बाग के आम चूसते और कच्ची लस्सी के गिलास भर भर कर पीते। रात का खाना वो सभी इकट्ठे खाते और छत पर बैठकर देर तक बातें करते रहते।
इन सारी मसरूफियात में इम्मू का दिल लगा रहता, लेकिन जब वो फारिग और अकेला होता तो माँ की जुदाई का गम एक आसेब की तरह इसे अपनी गिरफ्त में ले लेता और बेहाल कर देता। वो भी एक ऐसी ही तारों भरी रात थी। रात की रानी और पुख्ता आमों की मिलीजुली खुशबू हवा में रची हुई थी। नीचे सेहन में शबाना और मरियम रात के खाने के बर्तन धो रही थी। सेहन में पाटे खां की फटी हुई आवाज गूंज रही थी। राजा अभी भी कहीं से वापिस आया था। कुछ ही देर बाद वो कच्ची सीढ़ियों पर चढ़कर इम्मू के पास आन पहुंचा। वो इम्मू को अक्सर इमरान कहकर ही बुलाता था। इसके मुंह से शराब की हल्की बू आ रही थी। वो इम्मू के कंधे पर हाथ मारकर बोला, इमरान बड़ा टैट आर्डर मिला है, 4 सूरमार घोड़े हैं, सूरमार समझते हो ना, जिन पर बैठकर बच्ची वगैरह से सुअर का शिकार खेलते हैं। ऐसे घोड़ों को सिधारना थोड़ा मुश्किल होता है, पर फी घोड़ा 3,000 रुपए दे रहे हैं, सौदा फिट है। इम्मू ने जैसे इसकी बात सुनी ही नहीं, वो अपने ख्यालों में गुम था। क्या बात है यारा, तेरी बत्ती आज फिर बुझी हुई है। इम्मू ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, बाहर आ जा, तुमने कहा था कि बरसात से पहले फिर निकलेंगे और माँ का खोज लगाकर वापस आएंगे। मुझे सब याद है इमरान, बल्कि तुमसे भी कुछ ज्यादा ही याद है। मैं बस बाहर के हालात देख रहा हूँ, कहीं जरा सी भी गुंजाइश मिली तो हम यहाँ से निकले नहीं। हालात को क्या है? राजा ने सिगरेट सुलगाया और माचिस की तिली पांव से मसलकर बोला, इमरान मैं तुझे शब्बों को सब कुछ बताता नहीं हूँ कि तुम दोनों को परेशान करूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी कीकरा के हालात ठीक नहीं। माचा का भाई नाजा बहुत गुस्से में है। पिछले महीने इसने मेरे ठेकरा वाले घर पर हवा बोल दिया। पहले वह तोड़फोड़ मचाई, फिर हवाई फायरिंग की और बाद में आग लगा दी। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। नाजा ने पिंड में ऐलान करते हुए कहा कि जो मेरा अता पता बताएगा वो इसका मुंह नोटों से भर देगा, और जो मुझे छुपाने की कोशिश करेगा इसका हशर नशर हो जाएगा। पर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा महाराजे, हम कब तक चूहों की तरह छुप कर बैठे रहेंगे? मैंने सुना है कि पिछले 2-3 हफ्तों से नाजा कीकरा में नजर नहीं आया। हो सकता है कि पुलिस के बड़े अफसर फिर इसके पीछे लग गए हों। वो कभी कभी कबायली इलाके की तरफ भी निकल जाता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं महाराजे, मेरे लिए अब एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। इम्मू की आंखों में नमी आ गई। राजा ने सिगरेट के 2 तवील कश लिए और अपनी तेज तीखी नाक से धुआं छोड़ते हुए बोला, इमरान मैं तो तुझे फिर वही राय दूंगा, तू शब्बों से 2 बोल पढ़वा ले। ये दुनिया एकदम कंडम है यार, कल के लिए इस पर बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। जो कुछ आज मिल रहा है ले लेना चाहिए। देख वो तुझे चाहती है और तू उस पर मरता है। तुम दोनों के दरमियान कोई रुकावट भी नहीं, बस एक मौलवी साहिब की लोड़ है और 2 गवाहों की। महाराजे वो इस तरह नहीं मानती, मैंने 2-3 दफा बात करके देखी है। ओए जरा टैट होकर बात कर, इसे समझा के यहाँ आने जाने वाले शक की नजरों से देखते हैं। अगर निकाह हो जाएगा तो फिर कोई शक करने की हिम्मत नहीं रहेगी। मैंने कहा, महाराजे पर वो रोने लगती है, कहती है वो अटक गया। क्या कहती है? कहती है मैं तुम्हारी हूँ और आखिरी सांस तक तुम्हारी ही रहूंगी, पर हमें इस तरह यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए। लो अगर कल कला कोई और फड्डा पड़ गया तो? वो कहती है हमारी मोहब्बत सच्ची है, हमें कुछ नहीं होगा, हम जरूर मिलेंगे। ये 15-20 रोज बाद की बात है। एक तवील गर्म दिन गुजर चुका था। मुलाजिम लड़कों ने अहाते में पानी का छिड़काव कर दिया और मिट्टी के घड़ों में ताजा पानी भर दिया था। इम्मू कमरे में कुत्तों के लिए रातिब तैयार करने में मसरूफ था। इसी दौरान में राजा के पाटे खां की आवाज आने लगी। कुछ ही देर बाद फाटक खुला और पाटे खां धुआं छोड़ता हुआ अंदर आ गया। खिलाफ मामूल राजा इसे सीधा बरामदे के आखिरी तारीख कोने में ले गया। पाटे खां के ऊपर तरपाल तना हुआ था। इंजन बंद करके राजा नीचे आया और बरामदे की जहाजी साइज की चिक नीचे गिरा दी। क्यू लोडर मुकम्मल तौर पर नजर से ओझल हो गया। राजा पैसा कमाने के लिए हर तरह के काम कर लेता था। इम्मू ने अंदाजा लगाया कि शायद आज फिर कोई अफीम या चर्स किस्म की शय लेकर आया है। इंडियन शराब का भी इम्कान हो सकता था। लेकिन थोड़ी देर इम्मू ने एक अजीब बात नोट की। देव एकल हाउंड कुत्ता पारा मुसलसल शोर मचा रहा था। इसकी गुंजली आवाज दरों दीवार को लरजा रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। कुछ ही देर बाद के बाद राजा ऊपर पहुंचा। अपने लंबे बाल पिशानी से हटाते हुए बोला, इमरान आज एक बड़ी टैट डील हुई है। इसकी आवाज में दबा दबा जोश था और आंखों में सनसनी लहरें ले रही थी। कुछ बताओगे तो पता चलेगा, ये बताने वाली नहीं दिखाने वाली शय है। राजा ने सरगोशी की और इम्मू को साथ लेकर नीचे चलने के लिए कहा। रात अब तकरीबन तैयार हो चुका था। इम्मू ने हाथ धोए और राजा के साथ हो लिया। अब शाम गहरी हो गई थी।
अंधेरा फैल गया था। कबीर अहमद की तबीयत ठीक नहीं थी, वो दवा खाकर पिछवाड़े के बाग में सोया हुआ था। राजा ने शरीफ के कमरे से फालतू लालटेन ली और बरामदे की तरफ आ गया। तवील बरामदे के आखिरी गोशे में सरकंडे की चीकू के पीछे पाटेखा खड़ा था। इसके ऊपर तलवार इस तरह तना हुआ था कि वो चारों तरफ से ढक गया था। सेन की तरफ से पारे की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। इमू की छठी हिस भी जैसे कुछ मुंह में इशारे दे रही थी। भा राजा, क्या चक्कर है? इमू ने पूछा। राजा ने लालटेन की इमू को थमाई और तरपाल के तस्मे खोलकर इसे पिछली तरफ से दाएं बाएं हटा दिया। इमू भुचक्का रह गया, इसे अपनी निगाहों पर भरोसा नहीं हुआ। लोडर के अंदर एक बड़ा आहरी पिंजरा रखा हुआ था और इसमें दो आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ये किसी कुत्ते या दूसरे पालतू जानवर की आंखें नहीं थी, ये एक धारीदार शेर था। अपने कानों को चुकन्ने अंदाज में हरकत दे रहा था और सीधा इन दोनों की तरफ देख रहा था, जैसे हमला करने के लिए बस एक नदीदा इशारे का मुंतजिर हो। वो एक जवान शेर था, अभी इसका जिस्म पूरी तरह भरा नहीं था, फिर भी इसकी दीद लज्जातारी करती थी। राजा ने तलवार फिर बराबर कर दी और इमू को लेकर वापस अहाते में आ गया। ये कहां से ले आए हो भा राजा? इमू ने लर्जा आवाज में पूछा। बस ले आया हूं और ज्यादा डरने की लोड़ नहीं, ये बिल्कुल ही अनट्रेन नहीं है, थोड़ा बहुत सिखाया हुआ है, जो कसर रह गई है हम दो चार हफ्तों में पूरी कर देंगे। कुत्ते के 50 बिल्ले सिधाने से इतने पैसे नहीं मिलते जितने इस अकेले के मिल जाएंगे, पूरी 40,000 में बात हुई है। पर भा राजा, ये तो बड़ा खतरनाक काम है, मैंने तो इससे पहले चिड़ियाघर से बाहर शेर देखा ही नहीं। लेकिन मैंने देखा है ना, तो घबरा मत, हम दोनों साथ होंगे तो ये सारा काम एकदम हलवा हो जाएगा। सिर्फ 3-4 हफ्ते में 40,000 रुपए यार इमरान, ये थोड़ी रकम तो नहीं? इसने अपनी खुशगुफ्तारी से इमरान को चुप करा दिया। इमरान अब इतना भी नासमझ नहीं रहा था, इसे मालूम था कि राजा इसे जो कुछ बताता है इससे कहीं ज्यादा कमाता है। इसके अलावा वो कभी कभी कोई नाजायज फेरा भी लगा लेता था। इसके पास काफी पैसे आए थे, लेकिन ये पैसे इसके पास टिकते नहीं थे, वो इन्हें शराब और औरत वगैरह पर उड़ा देता था। जहां तक जानवरों को सिधाने का ताल्लुक था, ये काम भी ज्यादातर इमू को ही करना पड़ता था। राजा ने इसे शुरू में चंद बुनियादी बातें बताई थी, इसके बाद इसने सारा बोझ इमू पर डाल दिया था और इमू को कोई शिकवा नहीं था। वो जानता था कि जो काम भा राजा 2 महीने में करेगा, वो खुद 10-15 दिन में कर लेगा। हैरानकुन तौर पर जानवर इससे गैर मामूली उन्स महसूस करते और वो भी इनसे वाबस्तगी महसूस करने लगता। लेकिन ये शेर वाला काम इसे वाकई पुर खतर महसूस हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी इसके रगों पे में फैल गई। अगले रोज तक कबीर अहमद शरीफ और उसकी बीवी और शब्बो को भी मालूम हो चुका था कि राजा किसी सर्कस के मालिक से एक नर शेर लेकर यहाँ आया है और इसे सिधाना चाहता है। राजा का दावा था कि वो 2-2.5 साल पहले भी एक शेर को ट्रेनिंग दे चुका है। शब्बू को जब ये सारी बात पता चली तो वो रोहांसी हो गई। इसने इमू से कहा, इमरान तुम्हारी ये काम किसी दिन मेरी जान ले लेंगे, भा राजा जो कहता है तुम करते चले जाते हो। अब बात खतरनाक घोड़ों कुत्तों से आगे बढ़कर शेर तक जा पहुंची है। रात भर सोचने के बाद अब इमू के अंदर खौफ की जगह एक अजीब सी तरंग जाग चुकी थी। पिछले चंद महीनों में इसके एतमाद में बेपना इजाफा हुआ था। वो जानता था कि इसके अंदर कुछ खास है। अब वो इस खास को एक जंगली दरिंदे के सामने आजमाना चाहता था। इसने नए काम के लिए बाघ के एक कुशादा गोदाम को रिंग की शक्ल दे दी गई। राजा ने धारीदार शेर को जरा सुस्त ढीला करने के लिए इसे गोश्त के टुकड़ों पर कोई दवा लगाकर खिलाई थी। मजीद एहतियात के तौर पर इसके गले में 2 मजबूत रस्सियां डाल दी गई थी, ताकि अगर वो बिफरे तो इसे दोनों तरफ से खींचकर कंट्रोल किया जा सके। पहले रोज इमू को कुछ खतरा महसूस हुआ, लेकिन फिर हालात हैरानकुन तेजी से बदलते चले गए। राजा और इसका मुआवन साथी भी शस्त्र रह गए। खूंखार खसलत वाला रॉयल बंगला टाइगर बड़ी तेजी से इमू से मानूस होता चला गया। गालिबन इस सारी सूरत हाल में इस बेपनाह एतमाद को भी दखल था जो पिछले चंद माह से मुसलसल इमू के अंदर पैदा हो रहा था। 5-6 रोज में नौबत यहां तक पहुंच गई कि इमू ने कई एहतियाती तदाबीर तर कर दी और कई बार अकेला ही जानवर के सामने जाने लगा। राजा बहुत खुश था, इसे यकीन हो गया था कि वो 4-5 महीनों वाला काम बस 2-2.5 माह में पूरा कर लेंगे। इन्हें बस 2 अहम मराहिल मुकम्मल करने थे। शेर को एक बड़ी आहनी कड़ेस में गुजारने पर आमादा करना था और जस लगाकर 4 फीट ऊंची रुकावट को पार करना। एक रोज तरबियत के दौरान में टाइगर ने राजा के मुआवन नजीर को पंजा मारा और बाजू पर इसे इसकी खाल उधेड़ दी। इसके बाद राजा और नजीर मजीद पीछे हट गए और इमू की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई। कुत्ते की नायाब नस्ल सिलोकी हाउंड के बाल के पिल्ले भी बड़े हो चुके थे।
इमू इनकी भी तरबियत अंदही से कर रहा था। 9-10 हफ्ते में ही टाइगर वाली जिम्मेदारी तकरीबन पूरी हो गई। इस दौरान में सर्कस का मालिक जान मोहम्मद 2-3 बार अपने जानवर को देखने भी आया। वो छोटी दाढ़ी वाला 1 मिलियन सार और खलीकसा शख्स नजर आता था। बहरहाल इमरान की कभी इससे मुलाकात नहीं हुई। इससे हर तरह की डील राजा ही करता था। जान मोहम्मद के साथ पैंट शर्ट वाली खूबरू लड़की भी होती थी। पता चला कि वो इसकी भतीजी है। राजा जान मोहम्मद के अलावा इसकी भतीजी से भी खूब हंस हंसकर बातें करता था। वो लोग भी राजा को गैर मामूली अहमियत देते थे। एक नजदीक तो टाइगर को सिधाने वाली सारी फनकारी राजा ही की थी। जब बंगला टाइगर को जान मोहम्मद साहिब के साथ रवाना किया गया तो राजा खुद भी साथ ही गया और 3-4 रोज तक खुशाब में जान साहिब की मेहमानवाजी का लुत्फ उठाकर वापिस आया। आते हुए वो खुशाब से ही 4-5 तरबियत याफ्ता कुत्तों की फरोख्त का आर्डर भी पकड़ लाया था। अंदाजा हो रहा था कि यहाँ इसका काम चल निकला है। कबीर अहमद अब बीमार रहने लगा था। बाकी ज्यादातर जिम्मेदारी शरीफ और इसकी फैमिली के सर पर थी। एक रोज जब राजा अपने पाटे खाके नए पैर डलवाने और इसकी नोक पलक ठीक करवाने खुशाब गया हुआ था, इमरान और शरीफ पिछवाड़े की फुलवाड़ी में आ बैठे। वो अभी एक जख्मी कुत्ते की मरहम पट्टी से फारिग हुए थे और अब नवंबर की आखिरी सहपैरों में से एक सहपैर की सुनहरी धूप का लुत्फ उठाना चाह रहे थे। गुफ्तगू के दौरान में शरीफ ने इमरान से पूछा, सुना है कि टाइगर वाले काम के लिए राजा ने तुम्हें कोई इनाम शनाम भी दिया है? हाँ, मुझे शब्बों को 2 नए जड़े सुलवा कर दिए हैं। 3,000 रुपये नकद भी दिया है। 3,000? शरीफ ने पूछा। इमरान ने इस बात में सर हिलाया। शरीफ कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमे से अंदाज में बोला, सुना है इसने खुद तो काफी पैसे लिए हैं, शायद 60-70 हजार रुपया। ऊपर का खर्चा इसके अलावा है। 60-70 हजार की हिंसे ने इमरान को भी थोड़ा चौंका दिया, लेकिन इसने अपने अंदरूनी एहसासात को चेहरे पर नहीं आने दिया। वो नॉर्मल लहजे में बोला, चलो कोई बात नहीं, अपना वक्त ठीक गुजर रहा है। शरीफ बोला, मुझे पता चला है कि जान साहिब की भतीजी नीलम भी राजा के चक्कर में है। आजकल ही इसलिए राजा ने भी खुशाब के चक्कर लगाए हैं। पिछले हफ्ते जब जान साहिब शेर लेने आए थे तो नीलम ने शेर के साथ राजा की कई तस्वीरें भी उतारी थी। वो तो राजा को ही मास्टर समझती है ना। और बात सिर्फ इस लड़की की नहीं, और भी बहुत से लोग राजा को बाक कमाल फनकार समझने लगते हैं। ये तो बस हम 2-4 बंदों को पता है कि असल फनकारी किसकी है। चलो, मैंने कौन सा तगमा लगवाना है? अगर महाराजे की इज्जत बन रही है तो समझो हमारी भी बन रही है। शरीफ मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन इमरान की गैर दिलचस्पी देखकर खामोश रहा। इमरान खुले दिल का मालिक था। वैसे भी वो राजा को अपना मोहसिन और सरपरस्त समझता था। इसका ख्याल था कि महाराजा जो कर रहा है सही कर रहा है। राजा पहले से भी अच्छा लिबास पहनने लगा था। पहले वो हफ्ते में एक रात बाहर गुजारता था, अब वो 3-3 रातें बाहर गुजारने लगा। अब वो अपने दीदीना साथी पाटे खां को फरोख्त करना चाह रहा था। इसका ख्याल था कि इस पुराने लोडर की जगह कोई और अच्छी गाड़ी ली जाए। इमरान को इसका ये प्रोग्राम ज्यादा पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों इसे इस पुरानी गाड़ी से उनसा हो गया था। शायद इसलिए कि इस गाड़ी ने कोई 1 साल पहले बड़ी सख्त जानी का मुजाहरा करके इमरान और शबाना को कीकरा गांव की जालेवा हदूद से निकाला था। बहरहाल राजा के अपने फैसले होते थे। एक रोज राजा पाटे खां को कहीं छोड़ आया और इसकी जगह एक अच्छी हालत का सेकेंड हैंड लोडर ले आया। ये 5-6 दिन की बात है, राजा अपने नए लोडर पर आंधी तूफान की तरह बाग में दाखिल हुआ। वो कल दोपहर से कहीं गया हुआ था। इसे लोडर से उतरते देखकर इमरान और शरीफ हैरान रह गए। शब्बू तो बाकायदा चिल्ला उठी। राजे का स्वेटर सामने से उतरा हुआ था, कमीज के गिरेबान भी फटा हुआ था। राजा की गर्दन और चेहरे पर भी जख्म नजर आ रहे थे। इन जख्मों से बहने वाला खून नाफ तक चला गया था। राजा लगड़ाता हुआ इमरान की तरफ आया और घबराए हुए लहजे में बोला, चलो इमरान, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? और तुम इतने जख्मी हो। कोई बात नहीं, तुम बस मेरे साथ आओ, ये बहुत जरूरी है। किसी हथियार वगैरह की लोड़ तो नहीं? नहीं नहीं, बस तुम आ जाओ। इमरान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो राजा के साथ इसके नए लोडर में आ बैठा। इमरान ने राजा के जख्म को गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये जख्म किसी आले वगैरह से नहीं आए थे, ये पंजों के जख्म थे। इमरान का ध्यान सीधा धारीदार बंगला टाइगर की तरफ चला गया। लोडर तेजी से कच्चे पक्के रास्ते पर भागा चला जा रहा था। इमरान ने पूछा, महाराजा, कहीं जान साहिब के शेर ने तो ये काम नहीं दिखाया? राजा ने अपने मफलर से खून साफ करते हुए इस बात में सर हिलाया। इसे पता नहीं क्या हो गया है, किसी तरह संभाला ही नहीं जा रहा। एक मुलाजिम का तो इसने तकरीबन पेट ही फाड़ दिया है। 1-2 और बंदों को जख्म भी आए हैं। ओहो, कहाँ है वो? जान साहिब के गांव वाले मकान पर सेन में घूम रहा है। हमने सेन के दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए हैं। वो लड़की नीलम अभी अंदर के एक कमरे में है, उसे हम नहीं निकाल सके।
राजा ऊंचे नीचे रास्ते पर लोडर को उड़ाए चला जा रहा था। वो दोनों बुरी तरह उछल रहे थे। अंदाजा हो रहा था कि सूरत हाल को संभालने के लिए राजा ने पहले खुद कोशिश की है। जब कोई बस नहीं चला तो इमरान की तरफ भागा है। करीबन एक घंटे में वो दोनों मतलूबा गांव के मतलूबा मकान पर पहुंच गए। यहाँ एक फाटक के सामने बहुत से लोग जमा हो चुके थे। मकान के अहाते की दीवार 7-8 फीट ऊंची थी। लोग इर्द गिर्द की छतों पर से अहाते में झांक रहे थे। कुछ लोग रेड़ों वगैरह पर खड़े होकर बिरूनी दीवार के ऊपर से अहाते में झांकने की कोशिश कर रहे थे। हर चेहरे पर गंभीर तजस्सुस और हरास नजर आता था। यहाँ इमरान को जान मोहम्मद साहिब और उनके 2-3 मुलाजिम भी नजर आए। एक मुलाजिम जख्मी था और इसके बाजू पर ताजा ताजा पट्टी बंधी हुई थी। जान मोहम्मद साहिब के हाथ में पंप एक्शन राइफल थी और वो फटक के दूर अहाते में झांकने की सही में मसरूफ थे। इमरान के वहां पहुंचते ही हर तरफ हलचल नजर आई। सब लोग गहरे तजस्सुस और दिलचस्पी से इसे देखने लगे। इमरान के फाटक के सामने पहुंचते ही राजा ने फाटक का छोटा दरवाजा खुलवाया और इमरान को अंदर दाखिल कर दिया। खुद वो अपने इशारे 3-8 के रिवॉल्वर के साथ दरवाजे में खड़ा हो गया ताकि कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश आने की सूरत में मुनासिब रद्देमल जाहिर कर सके। हमेशा की तरह इमरान के पास कोई हथियार नहीं था। इसका हथियार बस इसके अंदर का एतमाद और विजदान था। ऐसे मौकों पर इसका सीना पुरजोश धड़कनों से भर जाता था। वो हाथ में बस एक छोटी सी छड़ी लिए नबे तुले कदमों से बरामदे की एक सिवत गया। इसे बताया गया था और इसे खुद भी यही अंदाजा हुआ था कि शेर बरामदे की तरफ है। चंद ही सेकेंड बाद शेर यानी रॉयल बंगला टाइगर और इमरान आमने सामने थे। टाइगर की आंखों में आज वैशी चमक रही थी और इसकी हरकतों से कनात में तब्दीली महसूस होती थी। इसके अंदर से एक बेसाख्ता गूंज बरामद हुई। इस धीमी लेकिन पाटदार गूंज में गैसो गजब और खुखारी की सारी अलामत मौजूद थी। वो खतरनाक अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान जानता था कि यही फैसले का लम्हा है। अब अगर इसने कदम पीछे हटाए तो बिफरा हुआ जानवर कुछ भी कर सकता है। अपने बेपनाह एतमाद और विजदान के सहारे वो अपनी जगह खड़ा रहा। न सिर्फ खड़ा रहा बल्कि इसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, छड़ी से मखसूस इशारा किया और इसे हुक्म दिया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसके हुक्म में सख्ती की जगह एक मोहब्बत भरी नरमी थी। चंद सेकंड तक इंसान और दरिंदे ने अपनी आंखें एक दूसरे में पेवस्त रखी और फिर फैसला हो गया। इमरान का जादू फिर काम कर गया। टाइगर का दबाव अपनी पिछली टांगों पर कम हुआ। ये इस अमर की तरफ इशारा था कि वो जारियाना अंदाज तर्क कर चुका है। चंद सेकंड बाद इसके आगे झुकते हुए कान नॉर्मल हालत में आ गए। इमरान ने इसे छड़ी के इशारे से चंद कदम पीछे हटाया, फिर दिलेरी से इसके गले में बाहें डाल दी। वो इसके सीने से अपना सर रगड़ने लगा। इमरान इसे पिचकारते हुए इसके आहनी पिंजरे की तरफ ले गया। किसी अंदरूनी कमरे से नीलम के चिल्लाने की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। टाइगर को पिंजरे में बंद करने के बाद इमरान नीलम की तरफ मुतवज्जो हुआ। यूं लगता था कि वो बेहोश होने के करीब है। जब इसने खिड़की में से देखा कि जानवर दोबारा पिंजरे में जा चुका है तो इसने दरवाजे की कुंडी गिराई और भागती हुई सीढ़ियां चढ़ने के बाद किसी तरफ ओझल हो गई। बदहवासी में से ये ख्याल भी ना रहा कि वो अपना कमरा एक अजनबी के सामने खुला छोड़े जा रही है। वो अपनी रेशमी नाइटी में भागी थी। इसके शानदार पलंग पर इसका लिबास बिखरा हुआ था और ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि एक तरफ मेज पर एक मर्दाना कोट भी पड़ा हुआ था। इमरान के लिए इस कोट को पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, यह राजा का कोट था। यह बात साबित हो रही थी कि शेर वाला वाकया पेश आने से पहले राजा इस शहरी लड़की के साथ यहाँ इस कमरे में मौजूद था। इसी दौरान में राजा भी भागता हुआ वहां पहुंच गया और सबसे पहले इसने अपना कोट ही कमरे से निकाला। इमरान की मुहारत और दिलेरी ने मौका पर मौजूद लोगों को अशेष करने पर मजबूर कर दिया। जान मोहम्मद साहिब ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए राजा से पूछा, ये वही लड़का है ना जो वहां तुम्हारे पास कुत्तों का रथ वगैरह बनाता है? जी हाँ, राजा हकलाया। इसके अलावा ये जानवरों की सिखाई में मेरा साथ बताता है, बड़ा गुण है जी इसके हाथ में। जान मोहम्मद साहिब गहरी नजर से कभी राजा और कभी इमरान की तरफ देखने लगे। वो एक जहांदीदा जीरक शख्स थे। इन्हें ये बात समझ में आ रही थी कि यहाँ पसे पर्दा भी कुछ है। टाइगर के बारे में पता चला कि पिछले 2 दिन से इसकी तबीयत में इश्तियाल मौजूद था। सुबह तजर्बेकार मुलाजिम गुलाम रसूल इसके पिंजरे की सफाई करना चाहता था। इसने बस एक सेकंड के लिए पिंजरे का दरवाजा खोला। टाइगर खौफनाक तेजी से इस पर झपटा और इसे शदीद जख्मी कर दिया। इसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक इसने हवेली में तहलका मचाए रखा और किसी तरह कंट्रोल नहीं हुआ। अब वो हालांकि दोबारा पिंजरे में बंद हो चुका था मगर इसके तेवर मामूल पर नहीं आए थे। जान मोहम्मद साहिब की ख्वाहिश थी कि इमरान अभी 1-2 दिन यहाँ रहे। राजा ने भी इस बात की तायद की। ये और बात के भी सूरत हाल पर ज्यादा खुश नजर नहीं आता था। 2 ही दिन में इमरान को मालूम हो गया कि जान मोहम्मद साहिब बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं। एक बड़े सर्कस में अपने एक दोस्त के साथ इनकी साझेदारी थी और पिछले करीबन 15 साल से ये साझेदारी बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी और लगता था कि आइंदा भी चलती रहेगी।
पैंट शर्ट वाली लड़की नीलम जान साहिब की भतीजी ही नहीं बल्कि मोमन थी, या ये कह ले के सेक्रेटरी थी। एक दफा इसकी शादी खत्म हो चुकी थी और अब दूसरी दफा शादी करने की फिक्र में थी। ये और बात की इस मरतबा इसने एक ऐसा शख्स शादी के लिए चुना जो घाट घाट का पानी पी रहा था और आइंदा भी पीना चाहता था। इमरान को अंदाजा हुआ कि टाइगर वाले ताजा वाकई के बाद जान मोहम्मद साहिब राजा के बारे में ठटक गए हैं और वो इसके बारे में अच्छी तरह टो लगाना चाहते थे। शायद इसलिए भी जरूरी था कि राजा F-16 की रफ्तार से नीलम के करीब आता जा रहा था और वो नीलम को अपनी भतीजी कहते थे। रात को थोड़ी देर के लिए मौका मिला तो जान साहिब ने राजा के बारे में टो लेने वाले सवाल इमरान से पूछे। इमरान ने बस गोलमोल जवाब देकर वक्त टाल दिया। जान साहिब इमरान की मुहारत से बहुत मुतासिर नजर आते थे और वो अच्छी तरह जान चुके थे कि राजा की शानदार काबिलियत के पीछे असल हाथ किसका है। दर हकीकत टाइगर वाले वाकई ने एक तरह से राजा का पोल खोल कर रख दिया था। दो दिन बाद इमरान तो वापस चला गया मगर जान साहिब इसका एक कल्बी तल्लुक सा बन गया। ये 10-12 रोज की बात है, राजा किसी नोखेज तवाइफ के पहलू में रात गुजारने के लिए खुशाब गया हुआ था। जान मोहम्मद साहिब का मुलाजिम गुलाम रसूल आया, इसने बताया कि टाइगर फिर बिगड़ा हुआ है इसलिए फौरन हवेली पहुंचना होगा। गुलाम रसूल जीप पर आया था। कबीर साहिब से इजाजत लेकर और परेशान शब्बों को तसल्ली देकर इमरान गुलाम रसूल के साथ रवाना हुआ। वो बहुत कम अपने पनागा से बाहर निकलता था लेकिन जब भी निकलता था एक अजीब सा खौफ इस पर तारी रहता था। इस खौफ का तल्लुक माझा की मौत और माझा के खतरनाक साथियों से था। करीबन एक घंटे के सफर के बाद वो जान मोहम्मद साहिब की हवेली पहुंच गया। यहाँ पिंजरों में सर्कस के फनकार यानी दो बंदर, एक रीछ और कुत्ते वगैरह बंद थे। बंगला टाइगर भी था लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर वो बिल्कुल पुरसकून नजर आता था। इमरान को हैरत हुई। इसकी हैरत देखकर जान मोहम्मद साहिब मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हारी हैरत दूर करता हूँ। वो दोनों हवेली की निश्तगाह में जा बैठे। जान साहिब के फरबा चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। उन्होंने कहा, इमरान बेटे टाइगर ठीक है, मैंने तुम्हें बहाने से बुलाया है, मैं तुमसे इस खबीस राजा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। राजा के लिए खबीस के खिताब ने इमरान को शाक पहुंचाया। वो सरा संभल कर बोला, जान साहिब महाराजा को मैं अपने बड़ों की तरह समझता हूँ। तुम समझते हो लेकिन वो बड़ा है ही नहीं, मेरे ख्याल में तुम बड़े हो। तुम जो कुछ जानते हो वे भी चुप हो और इसकी हर बात पर जी जी कहते हो। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि कल मैंने इसे जलील करके घर से बाहर कर दिया है। अगर इसमें जरा सी भी हयात हो इधर का रुख नहीं करेगा। तुमने देखा ही होगा, नीलम सीधी साधी लड़की है, शहरी लड़की जैसी होशियारी और चालाकी इसमें नहीं है। ये खबीस राजा इसको धोखा देने के चक्कर में था। एक तरफ से इससे प्यार की पींगे बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ शहर में एक तवाइफ के पास भी रातें गुजार रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि कल रात भी उसी के बिस्तर पर शराब पीता रहा। आपके पास क्या सबूत है जान साहिब? मेरे पास राजा और इस थर्ड क्लास लड़की की ताजा तस्वीरें हैं और घबराओ मत, मेरे पास हर बात का मुकम्मल सबूत है। जान साहिब ने चंद सेकेंड तवक्कुफ किया और फिर एक रसीद दिखाते हुए बोले, ये देखो, ये रकम चंद रोज पहले राजा ने मुझसे वसूल की है, ये इसके दस्तखत है, पढ़ो। कितनी रकम है? 20,000 और इसके नीचे 70,000, कुल 90,000, इमरान ने जवाब दिया। जान मोहम्मद साहिब बोले, ये 20,000 टाइगर की खुराक वगैरह का खर्चा है और 70,000 रुपया इसने टाइगर की सिधाई का लिया है और मुझे यकीन है कि 2-4 हजार के अलावा ये सारी रकम इसकी जेब में ही गई है। और देखो, बात सिर्फ टाइगर की सिधाई की नहीं, मैंने सारा पता कराया है। जानवरों की सिधाई की सारी मेहनत तुम्हारी होती है और इस मेहनत का राजा ठीक ठाक मुआवजा भी वसूल करता है, तुम्हें वो इस मुआवजे का चौथा हिस्सा भी नहीं बताता। ये सारी रकम शराब नित नई लड़कियों पर खर्च होती है। इमरान खामोश रहा। जान साहिब जानते थे कि इमरान कभी कभार सिगरेट पीता है। उन्होंने इसे सिगरेट पेश की जिसने झिझकते हुए कबूल कर लिया। जान साहिब बोले, मुझे सच सच बताओ इमरान, तुम इस राजा तक कैसे पहुंचे और कब से इसके साथ हो? इमरान इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। इसने गोलमोल बात कर बताया कि अपने कुछ रिश्तेदारों के पास गुजरात में ठहरा हुआ था, वही राजा से जान पहचान हुई। जान साहिब ने सिगरेट का एक तवील कश लेकर धुआं फजा में छोड़ा और बोले, तुम गुजरात में नहीं, गुजरात के एक पिंड में ठहरे हुए थे और अपने किसी रिश्तेदार के पास नहीं, एक बदमाश औरत माझा के घर में थे। इमरान हक्का बक्का रह गया। इसने खुश कोटों पर जुबान फेरी। जान साहिब बात जारी रखते हुए बोले, एक रोज राजा ने मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताया था, बाद में मैंने अपने तौर पर छानबीन की और मुझे तुम्हारे बारे में और भी कुछ बातें मालूम हुई। कैसी बातें जी? जान साहिब और मुस्कुराए और इसके चौड़े शाने पर हार रखकर बोले, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है इमरान, मेरा वादा है हम दोनों के तल्लुकात आगे चलकर कैसे भी हों मेरी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस बात का तो मुझे भी यकीन है जी। अब इससे आगे मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं तुम्हारी नजर से अभी ओझल है, जान साहिब ने कहा, फिर नया सिगरेट सुलगाकर बोले,
तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वक्त कीकरा नाम के गांव में हालात क्या हैं? मुझे कुछ ज्यादा तो पता नहीं है जी। राजा ने बताया कि माझा का भाई नाजा हमें ढूंढ रहा है। 4 महीने पहले इसने राजा के पुराने डेरे पर आग लगाई थी और पिंड वालों को धमकियां दी थी और राजा के बारे में। अगर मैं कहूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर? मैं समझा नहीं। जान साहिब बोले, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्जा के नाजे को पुलिस मुकाबले में मरे हुए पूरे 10 महीने हो गए हैं। तुम्हारे आने के कुछ ही दिन बाद ये वाकया हो गया था। इसके मरने के बाद मुखालिफ पार्टी के लोगों ने एकदम ताकत पकड़ ली और एक दो जोरदार लड़ाइयों के बाद माझा के रिश्तेदारों को भी कीकरा गांव से भाग मंगाया। अब कीकरा में इन लोगों का नामो निशान तक नहीं। तुम पता नहीं कहां फिर रहे हो। इमरान वाकई शशदर रह गया। वो कितनी देर सन्नाटे में रहने के बाद बोला, तो क्या भाराजा ने झूठ बोला था? सुफैद झूठ। और ये सब कुछ इसके लिए कोई नई बात नहीं। वो अपने मतलब के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। वो तुम्हें खौफजदा करके रखना चाहता था ताकि तुम कहीं जाने का सोच ना सको। वो तुमसे जबरदस्त फायदे ले रहा था और अब भी ले रहा है। इमरान हक्का बक्का सा बैठा रहा। इसके सीने में कुछ सुलगने लगा। वो पिछले एक अरसे से बुरी तरह अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और राजा ने इसे फ्रेम के जाल में फंसाकर शादपुरा में कैद किया हुआ था। जानसाही बोले, इमरान तुम्हारे अंदर गुण है। तुम्हें अल्लाह ने सलाहियत दी है, तुम तरक्की कर सकते हो, आगे जा सकते हो। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यही राजा है। इस कमीने से जान छुड़ा लो, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें इज्जत मिलेगी और पैसा भी। और अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ जाओ। मैं अभी लंबे चौड़े वादे तो नहीं कर सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा, यहां तुम्हारी मेहनत का भरपूर सिरा मिलेगा। इमरान का दिमाग अभी तक कीकरा के इर्द-गिर्द घूम रहा था। वो बोला, जान साहिब, क्या वाकई नाजा खत्म हो चुका है? जान साहिब उठकर अलमारी की तरफ गए और एक पुराना अखबार ले आए। मैंने कहा है ना कि मेरे पास हर बात का सबूत है। ये 9-10 माह पुराना अखबार है। इमरान ने देखा, इसमें नाजे डकैत और इसके 3 साथियों की नागहानी हलाकत का सारा वाकया मौजूद था। एकदम इमरान को लगा वो आजाद हो गया है, इसके पिंजरे की तीलियां टूट गई हैं। इस बारे में इमरान ने जान साहिब से देर तक बात की और इसकी आंखों के सामने सारे पर्दे उठ गए। शाम से पहले इमरान शादपुरा वापिस आ गया। राजा अभी तक नहीं लौटा था, वो रात को भी नहीं आया। रात इमरान देर तक बिस्तर पर करवटे लेता रहा। राजा यकीनन इससे झूठ बोलता रहा था, लेकिन इमरान को पता था कि शरीफ ने झूठ नहीं बोला। इसकी वालिदा वाकई शेखीपुरा में मौजूद नहीं थी और ना कहीं इसका सुराग मिला था। इमरान ने सबसे पहले अपनी वालिदा को ढूंढना चाहता था। इसके साथ साथ इसके दिलो दिमाग में लोगों के खिलाफ भी नफरत बढ़ रही थी, जिन्होंने इसकी माँ को इससे जुदा किया था और फिर दर दर धक्के खाने पर मजबूर किया। इनमें चौधरी सजावल और सादिक शाह जैसे लोग भी शामिल थे। वो इन लोगों को इनके किया का मजा चिखाना चाहता था, लेकिन कैसे, ये इसकी समझ में नहीं आता था। जहां तक राजा की बात थी, इसके लिए इमरान के दिल में नफरत नहीं थी, हाँ अफसोस जरूर था। इसे तवक्को नहीं थी कि राजा इसे इस तरह अंधेरे में रखेगा और फ्रेम करेगा। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में तेजी से सोच रहा था और अभी सोच विचार में राजा हरगिज शामिल नहीं था। दूसरे रोज दोपहर के वक्त राजा नशे में धुत वापिस आया और इसके साथ इमरान की दो टोक बात हुई। इमरान ने राजा को अखबार का वो टुकड़ा दिखाया जिसमें 10 महीने पहले नाजे डकैत की मौत की खबर छपी थी और लाश की तस्वीरें शाया हुई थी। राजा ये सब देखकर शशदर हुआ, लेकिन बहुत जल्द बात की तह तक पहुंच गया। वो समझ गया कि ये मालूमात इमरान को कैसे और किससे मिली है। इन दोनों के दरमियान तेज जुमलों का तबादला हुआ। आखिर में राजा ने कहा, इमू यार ठीक है, मैंने तो ये हर खतरे से बचाने के लिए नाजे के बारे में गलत इत्तला दी, लेकिन इसका मतलब यही तो नहीं कि हम दुश्मन बन गए। हम अभी अच्छे दोस्त हैं। दुश्मन वो बंदा है जो तुम्हें वर्गला रहा है, तुम्हें मुझसे तोड़ रहा है। इमरान ने फैसला को लहजे में कहा, जो भी है महाराजा, अब हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। अब ज्यादा बारीकियों में जाएंगे तो दुख और रंजिश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम भी मुझे माफ कर दो। हमें दुश्मनों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह अलहदा होना चाहिए। राजा ने कई पैंतरे बदले, मगर इमरान चूके तहिया कर चुका था, इसलिए वो अपने फैसले पर डटा रहा। फिर वो दोनों नमनाक आंखों के साथ एक दूसरे से जुदा हो गए। इमरान ने अलग सुबह शब्बो को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। वो साथ चलने को तैयार थी। वक्त रुखसत राजा ने शब्बो के सर पर प्यार दिया और 8-10 हजार रुपए जबरदस्ती इसकी मुट्ठी में थमा दिए। अपनी शादी पर मुझे भूल ना जाना। वो अपनी तर्ज का जुदा बंदा था, कहीं बहुत बुरा, कहीं सिर्फ बुरा और कहीं अच्छा। मौजी सामीन हजरात, ये दिलचस्प तरीन दास्तान अभी जारी है। बकिया वाकयात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।